हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विथ डिफरेंट ईएमएफ। इट मींस जो हम सेल्स ले रहे हैं उनका जो ईएमएफ है वो डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेन किए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, तो वहां से आपको आइडिया तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनली पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन सेल्स आर हैविंग डिफरेंट ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हम दो सेल ले रहे हैं, दोनों के ईएमएफ अलग अलग है। फर्स्ट वाले का है E1 एंड सेकेंड का है E2। ओके, एंड इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड सिंपली हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों ही सेल ऐसी हैं जिनका कि ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे KVL इट मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा। ओके, अगर आपने हमारी केवीएल इट मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाली वीडियो नहीं देखे तो आप सिंपली केवीएल पीएनटी कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस तरीके से यहां से आ रही है, आई करंट आ रही है, तीनों करंट दो पॉइंट्स में दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है I1 एंड I2। I1 करंट सप्लाई हो रही है सेल 1 से एंड I2 करंट हो रही है सप्लाई सेल 2 से, एंड सिंपली दे आर जॉइनिंग अगेन, दैट इज I1 एंड I2 विच इज अगेन I, इस तरीके से सप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको एक सिंगल यूनिट लेके चलूँ यानी कि एक फाइनली इक्विवेलेंस ईएमएफ लेके चलूँ तो वो सिंपल डायग्राम इस तरीके से होगा कि आई करंट जा रही है एंड ये हमारे पास बेसिकली सेल है एंड वहाँ से सिंपल सप्लाई हो रही है। ओके, तो चलिए थोड़ा इसको और इन डेप्थ समझते हैं कि एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे दो सेल्स हैं। ओके, दोनों को हमने कनेक्ट किए हैं पैरेलल। ओके, और ये जो दोनों कनेक्ट है वो पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कनेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जब हमने इस ए और बी के बीच में इन सेल्स को कनेक्ट किए हैं पैरेलल वे से, ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स दोनों सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ओके, ये कंपलसरी कंडीशन है इसके लिए। तो अब अगर हम इन दोनों सेल्स के लिए केवीएल लॉ अप्लाई करें तो ये किस तरीके से अप्लाई होगा, चलिए समझते हैं। ओके, सबसे पहले टारगेट करते हैं सेल 1 को। ओके, तो यहां से अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रही है, तो अगर मैं इसको थोड़ा एलिबोरेट करूँ तो ये हो जाएगा E1 जो है हमारे पास सेल है एंड इसका रेजिस्टेंस R1 है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली क्योंकि एन पॉइंट प्लस है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E1 एन प्लस, और यहाँ से करंट I1 जा रही है राइट, तो माइनस पे एंड हो रहा है तो माइनस I1 इंटू R1। अब यहाँ पे माइनस क्यों हुआ प्लस क्यों हुआ ये हमने हमारे KVL वाली वीडियो में समझाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, अगेन पॉइंटिंग यू कि आप KVL PNT कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के आ सकते हैं। ओके, तो ये हमको मिलेगा पहला इक्वेशन। अगर ऐसे ही हम सेकेंड सेल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से क्योंकि जा रही है तो पॉजिटिव एन मिल रहा है तो जगह E2, ओके माइनस I2 करंट जाए तो I2 इंटू R2। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दो मिल गए हैं, पहला था V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, दूसरा मिल गया है सेकेंड सेल के लिए V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का यूज करें स्टूडेंट्स, ओके, तो हम यहाँ पे अगर सिंपली I1 एंड I2 करंट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, तो हमको उससे क्या मिल जाएगा, दैट इज I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 राइट, एंड वहां से मिल जाएगा दैट इज E2 माइनस V अपॉन R2। तो हमारे पास I1 एंड I2 करंट मिल जाएगी। ओके, अब क्योंकि ये करंट I1 एंड I2 दोनों कंबाइन होकर वापस से I बन रही है, इट मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपली प्लस कर देंगे। ओके, अब इनको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 देन माइनस V अपॉन R1 देन माइनस V अपॉन R2। तो इनमें से माइनस V कॉमन निकल जाएगा तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सिंपली इसको हम एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ओके, इस पूरे टर्म को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे, I को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ये V R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल टू, दैट इज इसको एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इन हो जाएगा माइनस I। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है क्योंकि ईएमएफ चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए क्योंकि उन दोनों का दोनों सेल्स का जो ईएमएफ है वो डिफरेंट है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली वी इज इक्वल टू जाएगा इस पूरे को ट्रांसपोज कर देंगे तो अपॉन में इधर आ जाएगा राइट, तो जैसे इसके अपॉन में भी आएगा इसके अपॉन में भी आएगा तो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा वी इज इक्वल टू दैट इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 क्योंकि R1 R2 कैंसिल हो गए राइट, एंड माइनस आई एंड ये उसके अपॉन में आया तो R1 R2 ऊपर चले जाएगा तो जाएगा I इंटू
आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर अब हम इस पे इक्विवेलेंस सर्किट पे फोकस करें जो कि इसके बदले यूज हुआ है, राइट, तो इस कंडीशन पे जो केवीएल अप्लाई होगा वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे, क्योंकि अगेन सेम चीज आपको दिख रहा है इसके हिसाब से, तो एंड हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव पे तो जगह ई, ओके, एंड माइनस आई इन टू आर, तो ये हमको मिल जाएगा सिंपली इक्विवेलेंस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा वी तो एजीज है, तो ई इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म हो जाएगा राइट, तो ई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, एंड इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो आई सेम है, तो जगह आर इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यूज है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।